हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके लिए लाई हूं रवा इडली बनाने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स। वैसे तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है, बट परफेक्ट रवा इडली बनाने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप रवा इडली बनाएं, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें तो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनकर तैयार होगी। तो चलिए चालू करते हैं रवा इडली बनाना। रवा इडली बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे। इसमें हम 8 से 10 काजू रोस्ट करेंगे। काजुओं को हमने बीच में से काट लिया है। इन्हें हल्का गोल्डन होने तक स्लो से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ये स्टेप आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इन काजुओं को हम सिर्फ रवा इडली को गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। सेम पैन में हम रवा को सेकेंगे। तो यहाँ पर आती है मेरी टिप नंबर 1। यहाँ पर आपको घी की क्वांटिटी को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। अगर आप काजू नहीं भी सेक रहे हैं तो भी आपको एक बड़ा चम्मच घी ही यूज़ करना है। इसमें हमने डाली है एक छोटी चम्मच राई और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच चना दाल। चना दाल को 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच उड़द दाल। दोनों दालों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे और हल्का गोल्डन कलर आने के बाद में इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच कटे हुए काजू और इन्हें भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 8 से 10 बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1/4 चम्मच हींग। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और ध्यान रहे फ्लेम अभी यहाँ पर हमें मीडियम से स्लो ही रखनी है, जिससे आपका तड़का जले ना। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप रवा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रवा है वो एकदम बारीक वाला होना चाहिए। रवा को टेम्परिंग के साथ में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यूसली हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम से स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे। पूरा रवा घी में अच्छी तरह कोट हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने पहले कहा था, घी की क्वांटिटी को बिल्कुल कम नहीं करना है। अगर हमने घी की क्वांटिटी को कम करा तो हमारी इडली स्टिकी हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो हमें रवा सेकते टाइम ध्यान रखनी है वो ये कि रवा का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका गैस तेज़ हो रहा है और रवा का कलर डार्क हो रहा है तो आप गैस को एकदम स्लो कर दें या फिर बंद भी कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है हमारा रवा इडली मिक्स। आप चाहें तो इसे ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिलहाल हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ध्यान रहे आपको सेकते से ही इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आप इसे गर्म पैन में काफ़ी देर तक छोड़ देंगे तो नीचे से ये जल भी सकता है। रवा के ठंडे होने के बाद में हम इसमें कुछ सब्ज़ियाँ डालेंगे। सब्ज़ियाँ आप पहले फ्राई करते टाइम भी डाल सकते हैं, बट अगर आप उसको स्टोर करके रखने वाले हैं जैसे कि मैं रखती हूँ, तो आप सब्ज़ियाँ जब बनाएं तभी डालें। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर और नमक अपने स्वाद के अनुसार, और हम ले रहे हैं 3/4 कप दही। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आपके पसंद की और कुछ सब्ज़ियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखें। ज़्यादा सब्ज़ियाँ होने से इडली में बाइंडिंग ठीक से नहीं आएगी और आपकी इडली टूट सकती है। अभी तक बैटर बनाने के लिए हमने पानी यूज़ नहीं किया है। पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम पानी यूज़ करेंगे। पानी की क्वांटिटी डिपेंड करेगी आपने कौन सा रवा यूज़ किया है और आपके दही में कितना पानी था उस पर। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1/2 कप पानी और यूज़ किया है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह का थिक बैटर हमें रखना है अभी। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए अलग रख देते हैं, जिससे रवा हमारा अच्छी तरह फूल जाए। और जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, हम इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेते हैं घी या फिर तेल से। बैटर को रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है, तो अब हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए, रवा अच्छे से फूल चुका है और इसने काफ़ी पानी अब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो फिर से एक बार कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम 2 बड़े चम्मच पानी और यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हमें वही कंसिस्टेंसी मिल गई है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच इनो, जिसे हम फ्रूट सॉल्ट भी बोलते हैं, और उसको एक्टिवेट करने के लिए 1 छोटा चम्मच पानी।
इनो डालने के बाद हमें फटाफट से काम करना है, इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से मिलाना है। आप देख सकते हैं बैटर कितना अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे फटाफट से इडली के मोल्ड्स में डाल देंगे। मोल्ड में हमने काजू पहले से जमा के रखे हुए हैं। और हाँ, अगर आप इनो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बस बेकिंग सोडा यूज़ करने से पहले आपको 1/2 चम्मच नींबू का रस डालना होगा। तो इडली का स्टैंड हमने तैयार कर लिया है। इसका प्लेसमेंट इस तरह से होना चाहिए कि 2 इडलियों के ऊपर में एक इडली आए, जिससे स्टीम अच्छे से पास हो और इडलियाँ इवनली स्टीम हो सकें। तो अब हम इसको फटाफट से उबलते हुए पानी में रख देते हैं और इसको कवर करके इसके ऊपर हम वेट रख देंगे। इसको हमें 8 से 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर स्टीम करना है। 10 मिनट स्टीम करने के बाद में हम इसको खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं इडलियाँ कितने अच्छे से फूली हैं। अब हम इसमें एक नाइफ या फिर टूथपिक इंसर्ट करके देखेंगे, वो बिल्कुल क्लियर निकलनी चाहिए, मतलब इडलियाँ हमारी बन चुकी हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। स्टैंड को बाहर निकालने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिससे थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं आपको एक इडली निकाल के दिखाती हूँ। तो देखा आपने कितनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनकर तैयार हुई है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप भी एकदम परफेक्ट रवा इडली तैयार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।